सबसे पहले आप सभी को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। शाम के 3 बजे हुए हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन से एक जो घटी घटना है उसके बारे में बताती हूँ, आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा पहले ऑपरेशन में क्या हुआ था और क्यों ऑपरेशन बिगड़ गया था, क्या परेशानियाँ थी, आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि बहुत परेशानियाँ हुई थी उस बीच हमें। जब भी अभी भी कभी मैं आंखें बंद करके या खाली भी बैठी रहती हूँ कहीं पर तो सोचती हूँ तो बहुत ऐसा लगता है कि अभी घटी है ये घटना। और बताती हूँ आप लोगों को मैं, जब मैं ऑपरेशन के लिए गई थी सन 2000 की बात है और मेरे पेट में दर्द हो रहा था और यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया हमने देवाल में, तो उन्होंने कहा कि प्रेग्नेंट है और बच्चा होने वाला है बोल दिया। और पेट बड़ा भी हुआ था क्योंकि पेट के अंदर तो ट्यूमर था और यहाँ के डॉक्टरों के हाल तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ट्यूमर होते हुए प्रेग्नेंट बता दिया था। उसके बाद से जब हमने बागेश्वर में दिखाया था, जंग बांगती जी ने देखा था तो उन्होंने कहा कि इसमें ट्यूमर है और तुरंत इसका ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो ये फट भी सकता है, पस बन जाएगा इसके अंदर। फिर हमने सीधा अल्मोड़ा गए, जल्दीबाजी में अल्मोड़ा में गई पीस हॉस्पिटल में, डॉक्टर मोहन मेहर थे वहाँ पर डॉक्टर उस समय, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने सारे टेस्ट करवा कर के और ऑपरेशन की डेट दी हमें, उसके बाद से ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन तो सही प्रकार से हो गया था क्योंकि मैं सुन रही थी ऑपरेशन में, और मैंने ये भी सुना ऑपरेशन करते समय कि इनकी ब्लडिंग निकल रही है, लाइट चली गई थी ऑपरेशन के समय, सन 2000 की बात है, उस समय लाइट की उतनी व्यवस्था नहीं भी होगी क्या पता। जैसे ही ऑपरेशन हो रहा था मेरा, लाइट चली गई थी, मेरे हाथ बांधे हुए थे, पाँव भी हिल रहे थे थोड़े से और मैं आँख बंद करे थे मेरे, और कानों से मैं पूरा सुन रही थी और वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इनकी ब्लडिंग कहाँ से निकल रही है, नर्स ढूंढो नहीं तो डॉक्टर का नाम अखबार में गंदा आता है, हमारा नाम भी आएगा, इसी प्रकार वो बातें कर रहे थे। बाद में मुझे कुछ याद नहीं है ऑपरेशन के बाद, जैसे जैसे 2 दिन हुए 3 दिन हुए लोगों का तो ऑपरेशन करने के बाद सुधार आता है, और मेरा दिन पर दिन पेट बढ़ती जा रहा था और मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो रहा होगा, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है आपका स्वास्थ्य, और न मुझे खाने की भूख थी न मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मुझे जाड़ा लग के बुखार आ रहा था, होते करते उन्होंने 8 दिन में मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जैसे ही मैं बागेश्वर पहुँची अपनी ईजा के वहाँ, और उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 7 साल की मेरी छोटी लड़की थी और 10 साल का मेरा बीच का बेटा था और 13 साल का मेरा बड़ा बेटा था, और मेरी सासू जी घर में 2 बच्चों के साथ, छोटा बेटा और बेटी के साथ अकेली थी यहाँ पर, और गाय भी थी, खेती बाती थी, सब कुछ था, और मेरा बेटा ननिहाल में पढ़ता था मेरे मायके में बागेश्वर में, वो वहीं पर था। और मेरा ऑपरेशन होने के बाद मैं वहीं गई थी क्योंकि गाड़ी का इतना लंबा सफ़र मैं नहीं कर पाती थी, वहाँ जाने के बाद मैं वहीं रही। जैसे 2-4 दिन रही मैं तो मेरा घाव पूरा ही नहीं हुआ और घाव से मेरे पस निकलने लग गया। फिर 7 दिन बाद हम फिर डॉक्टर मोहन मेहर के पास फिर गई अल्मोड़ा दिखाने के लिए, मेरे पति भी वहीं थे, उन्होंने दुकान भी छोड़ दी थी मेरे को दिखाने के चक्कर में। अब वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई ले जाओ। फिर दवा ले ली हमने, फिर हम चले गए बागेश्वर। फिर होते करते 1 हफ्ता और हुआ, लोग सब ठीक हो गए, मेरे साथ के जितने भी लोग थे, मेरे बाबू कहते थे कि वो भी उसी दिन ऑपरेशन किया था, वो सब काम करने लग गई, ठीक हो गई, तेरा क्या हो रहा होगा ऐसा करके। जब धीरे 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 मेरा पस, पहले तो घाव से ही पस निकलता था, उसके बाद मेरे लैट्रिन में भी पस निकलने लग गया, बाथरूम से भी पस निकलने लग गया, बहुत ही परेशानी हो गई मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मैं उठ नहीं पाती थी, इधर उधर ही नहीं देख पाती थी, सारा चक्कर आता था मेरे सिर में। उसके बाद से फिर सभी लोगों ने कहा कि इसका और हॉस्पिटल में दिखाओ, फिर हमने बागेश्वर हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका हीमोग्लोबिन 3 पॉइंट रह चुका है और सारा पस बन के निकल गया है, आप लोग इन्हें तुरंत कहीं बाहर ले जाओ। प्रकार पहले का ज़माना था, सन 2000 की बात थी, और पैसों की भी एकदम से व्यवस्था नहीं हो पाती थी, बहुत दिन लग गए हमें होते करते व्यवस्था करने में बागेश्वर में, बहुत लोगों से इधर उधर से हमें पैसे भी मांगने पड़े, होता ही है। घर में सासू जी थे, उनको भी पेंशन मिलती थी तो सिर्फ 800 रुपये मिलती थी, और घर का सारा खाना खर्चा सब था, मेरे पति ने दुकान छोड़ दी थी मेरे दिखाने के चक्कर में। और उसके बाद बहुत व्यवस्था करने के बाद थोड़े पैसों की हुई, थोड़ा सा इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करने के बाद हम गए
हल्द्वानी। हल्द्वानी हमने वहाँ जय श्री तिवाड़ी के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हम बहुत परेशानियों के बाद वहाँ पर फुलोरिया जी ने मेरा केस देखा और उन्होंने केस हाथ में लेने को भी कहा। उसके बाद पहले तो बोल रहे थे बरेली ले जाओ, राजीव गांधी हॉस्पिटल में वहाँ हाथ बदले जाएंगे, तुम्हारे हाथों का पक्की परेशानी है तुम्हें, ये है। बहुत ही मुश्किल से वहाँ से एडमिट हुए हम। उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही परेशानियाँ हुई हमें, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी इसी में बताऊंगी तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा और मेरी खाली बोलने वालों को, आप लोगों को बोरियत आएगी, इसलिए मैं अभी पूरा ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। और कल के ब्लॉग में मैं बताऊँगी आपको कि हल्द्वानी में फुलोरिया जी ने ऑपरेशन किया था तो क्या हुआ और कैसे मेरा घाव ठीक हुआ, भगवान के क्या चमत्कार हुए, मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताऊंगी। आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।